हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये यहाँ पर अगेन गांव में कैसे आ गई। तो आप लोग ने अगर मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा कि हम लोग गांव में गए हुए थे, हमारे रिलेटिव्स अपने गांव से, पता है, ये पहाड़ियों में बहुत आगे चले गए। मेले वाले देखने का आपको बचपन से ही शौक था। ये यहाँ पर हम लोग अभी निकल लिए हैं गांव से। वो वाला व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर अलग से दूसरा व्लॉग बनाया, क्योंकि रास्ते में ना हमारा प्लान बन गया था मंदिर में जाने का, बटेश्वर धाम जाने का। बटेश्वर मंदिर है यहीं पर पास में ही, फतेहाबाद के पास। तो हमारा वहाँ पर जाने का प्लान बना और हम लोग फिर वहाँ के लिए निकल लिए, तो वो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता तो इसलिए मैं यहाँ पर ये अलग से वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये यहाँ पर ना हम लोग गुजर रहे हैं इधर बीहड़ों से, पूरा का पूरा बीहड़ वाला क्षेत्र है, देख सकते हो आप आसपास कुछ नहीं। और इससे आपको पान सिंह तोमर फिल्म भी याद आ रही होगी। सड़कें बट बहुत अच्छी है यहाँ की, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ ज्यादा ही खट्टा रह गया। सो गाइस, जैसे ही ना गाड़ी से उतरे हम नीचे, तो बंदर इतने सारे थे, बंदर बहुत सारे थे। और हम लोगों ने ना केला भी खरीद रखी थी यहाँ पर गाड़ी में, मैं छुपा के मैंने उनको रखा, क्योंकि ठीक है हम दे देते बंदरों को, लेकिन फिर वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते और केले थी नहीं इतनी सारी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी पूजा की थाली ले लेंगे और बहुत सारे अलग अलग स्टॉल लगा के रखते हैं यहाँ पर, जिसको जो भी अपने हिसाब से कोई भी थाली लेनी हो। बट हमने स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग वाले के स्टॉल से ले ली, बट आगे जाके भी अच्छी अच्छी थालियाँ मिल रही थी। मतलब पूरा सामान, कहने का मतलब मेरा, सब कुछ मिल रहा था वहाँ पर। और हम लोगों ने अपनी थाली ले ली और फिर हम जा रहे हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए अंदर मंदिर में, भगवान के, शिव जी महाराज के, माता पार्वती के, इन सब के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी जब हम लोगों ने मंदिर में यहाँ पर अंदर दर्शन किए। और ये यहाँ पर ये बाहर का नज़ारा है, अभी अभी हम अंदर नहीं गए, तो बाहर भी अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। और ये यहाँ पर ना मेला भी लगता है दिवाली के आसपास से लेकर पुनवासी तक का, कुछ है तब तक का मेला लगता है। दिवाली से शुरू होता है ये यहाँ पर, दिवाली की दोज से कुछ शुरू होता है ये यहाँ पर मेला, बट अभी मेला नहीं लगा हुआ था, कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है शायद। और हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये जो बटेश्वर धाम है, बटेश्वर का जो मंदिर है, ये अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी ये जन्मभूमि भी है। और शिव जी का मंदिर भी है ये यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप घंटे देख रहे हो, ये बहुत सारे ये यहाँ पर जो लगे हुए हैं। तो ये जो मंदिर है ना, ये फेमस है इस बात के लिए कि यहाँ पर जितने भी घंटे चढ़ाए हैं, इनमें से बहुत सारे घंटे ऐसे हैं जो डाकुओं ने चढ़ाए हैं, क्योंकि ये वाला क्षेत्र कुछ ऐसा ही है डाकुओं का। आपने पान सिंह तोमर फिल्म तो देखी होगी, तो मतलब डाकू आते थे रात में, घंटे चढ़ा के जाते थे, अलग अलग कहानियाँ हैं इसके बारे में, आप गूगल कर लेना। तो यहाँ पर तो यही सब बताया, यहाँ के जो बैठे हुए थे ना यहाँ पर साधु, ये सब तो उन्होंने ये बताया। और बाकी लोगों ने, जैसे जिनकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो भी यहाँ पर घंटे दान करते हैं, तो ये भी है। तो जिसकी कोई, किसी ने कोई मन्नत मांगी हो वो पूरी हो गई, तो आप देख सकते हो। इसलिए बहुत सारे घंटे यहाँ पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े, बड़े छोटे, सब तरह के ये यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहीं से ही अंदर जाने का रास्ता शुरू हो जाता है। तो हम लोग अंदर चले गए थे अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए। और यहाँ पर पूजा करने की मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि बस वही है, जब हम पूजा करते हैं तो पूरा उसमें लीन हो जाते हैं, इतना कुछ याद नहीं रहता कि वीडियो भी बनानी है। ये हम लोग बाहर आ गए थे तो पूजा करते करते, बाहर भी यहाँ पर पूजा कर रहे थे हम लोग सभी देवताओं की, देवियों की। तो यहाँ पर बाहर भी हम लोग पूजा कर लेंगे और आप भी दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। तो ये सब कुछ है, ये मंदिर बहुत ही अच्छी फीलिंग मुझे लगी। आपको भी कभी हो इस तरफ आना तो ज़रूर आइएगा आप भी, फतेहाबाद के आसपास ही है ये मंदिर। तो ये है आगरा के आसपास आप कह लो। ये यहाँ पर ही ना, यहाँ पर यमुना नदी भी बह रही है, तो यमुना नदी तो बोटिंग का भी था यहाँ पर, जिसको बोटिंग करनी हो वो बोटिंग कर सकते। तो हमारा भी मन था, चलो ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं, बच्चे भी हैं साथ में, तो हम बोटिंग भी कर लेते हैं, मौसी जी इधर हमारे साथ, तो अभी हम लोग करेंगे बोटिंग।
तो बोटिंग का प्लान बन रहा था कैसे करें। मौसी को थोड़ा डर लग रहा था, तो मौसी तो नहीं आई बोटिंग करने, बट हम लोगों को एक्साइटमेंट थी, बच्चों को ज़्यादा थे, तो इसलिए हम लोग आ गए। तो ये है, तो यमुना नदी को आप देखना, ये यहाँ पर पूरे उफान पर है। लोग पूरा का पूरा बोटिंग का लुत्फ़ उठाते हुए, कनिष्क आपको थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत खेला था गांव में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो अभी ये थक चुका है ट्रैवलिंग करते करते, तो इसके बाद हम लोग जो है बोटिंग करेंगे। बोटिंग करने के बाद बहुत ही कम देर रुके थे हम ये यहाँ पर मंदिर में, बस दर्शन करके, क्योंकि रास्ते में हम लोगों का प्लान बन गया था, अभी हम रास्ते में ये घर पहुँचे नहीं हैं। तो बोटिंग करने के बाद हम लोग निकल लेंगे यहाँ पर घर के लिए। और बस ये बहुत ही छोटा सा मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। और ये यहाँ पर मैं प्रसाद भी ले लूँगी, और एक दो मैंने माला भी खरीदी थी, और कड़े खरीदना चाहो जो भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो कि भाई हाँ मंदिर में हम आए थे हमने कुछ लिया है, तो बस ये रहता है। अब लोग हम जा रहे हैं मंदिर से, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। सो गाइस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलती हूँ नए अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।